धम पदम का 17वां वग्ग है कोधवग्ग। कोधम जहे विप जहे यमानम सन्नोजनम सब मतिक्मेय तम नाम रूपस्मि असज्जमानम अकिंचनम नानुपतंति दुखा। क्रोध का त्याग करें, मान अभिमान अहंकार का पूर्ण रूपेण त्याग करें। जितने बंधन हैं सभी को काट कर सबका अतिक्रमण करके पार हो जाए। इस प्रकार जो नाम और रूप से जो अनासक्त अकिंचन पुरुष है, दुख उसका पीछा नहीं करते। कोधम जहे, कोधम क्रोध, जहे त्याग करना। इसके पश्चात विप जहे मानम, मानम अभिमान अहंकार अपने को किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति गुण योग्यता से जोड़कर बड़ा मानना और उनका अहंकार करना, इसका पूरी तरह से त्याग कर दे। इसमें पहली बात है कोधम जहे, क्रोध का त्याग करना। कहीं भी हो, जब हमारे अहंकार और कामना में ठेस पहुंचती है तब क्रोध आता है। अहंकार न हो मन में और किसी प्रकार की कोई कामना ना हो तो ठेस लगने की बात ही नहीं है। और ठेस नहीं लगेगी तब क्रोध नहीं आएगा। कुछ हमें मिलता है चाहे जो हो, रूप का अहंकार, रूप है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, धन है, विद्या है, बल है, या किसी प्रकार, जब तक हम अपने को बड़ा नहीं मानते हैं या उससे जोड़ नहीं लेते हैं तब तक ठेस लगने की बात नहीं है। कामना है, कुछ पाने की कामना है, लोग मुझे बड़ा माने या मेरी आज्ञा माने, इस प्रकार की कामना है तो वहां ठेस लगती है। जहां जहां हमारी कामना भंग होती है, हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, छोटा मार रहे हैं, वहीं वहीं से क्रोध उत्पन्न होता है। और उसका परिणाम औरों के लिए दुखद हो या ना हो, अपने लिए दुखद होता है। अहंकार कामना नहीं है तो दुख होने की कोई बात ही नहीं है। अहंकार और कामना है तो हम कहीं भी चले जाएं न क्रोध से बच सकते हैं न दुख से बच सकते हैं।
हम कह देते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तब हमने ऐसा कहा, लेकिन इसके पीछे है हमारा अहंकार, वो अपना कह रहा है। और यदि हमारे अहंकार में ठेस नहीं लगती तो उत्तर देने की बात नहीं थी। इसलिए यहां कहा गया है कि पहले क्रोध का त्याग करे, लेकिन तत्काल कहा गया कि विपजहेय मानम, मान का तो पूर्णतया त्याग करें। जब तक थोड़ा भी मान है, मान अभिमान अहंकार थोड़ा भी मान रहेगा तो उसी मात्रा में क्रोध भी रहेगा, और उसी मात्रा में हमें दुख होता रहेगा। मान बिल्कुल नहीं है तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। क्रोध के लिए कहा गया है, क्रोध कैसा है, जैसे लो आग का अंगार, किसी को मारने के लिए हम हाथ में अंगारा को पकड़ें कि उसे फेंक करके मारूं, पहला नुकसान किसका होगा, हमारा ही तो हाथ जलेगा, वहां तक जाए या ना जाए, लेकिन अंगारा हम पकड़ लिए और सोचे कि इससे मैं उसे मार दूंगा तो अपना ही नुकसान हम करते हैं। ऐसे ही कहीं भी क्रोध आता है तो पहले हम अपना नुकसान करते हैं। तो क्रोध का तो त्याग करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मान का, अभिमान का त्याग करना है। और इसके त्याग किए बिना क्रोध से हम बच नहीं सकते। संयोजनम सब मतिकमेय, संयोजनम संयोजन जोड़ना, अपने को कहीं भी जोड़ना, ये जोड़ने के यहां तात्पर्य है आसक्त कर लेना, बांध लेना। इसको पूर्ण रूपेण अतिक्रमण कर जाए, पार हो जाए, थोड़ी भी आसक्ति कहीं है तो मन में खटक बनी रहेगी और बार बार हमारा मन वहीं जाता रहेगा। वस्तुएं मिलती है, वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा, वस्तुओं का प्रयोग किए बिना किसी का जीवन चल नहीं सकता है, और मनुष्यों से व्यवहार किए बिना जीवन चल नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें किसी से मतलब नहीं, हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे, किसी न किसी प्रकार संबंध तो रखना ही पड़ेगा। वस्तुओं का कुछ न कुछ प्रयोग करना ही पड़ेगा, और जहाँ जहाँ अनुकूल वस्तु मिली, मिली क्या, अनुकूल मन ने मान लिया, किसी को, किसी व्यक्ति को अनुकूल मान लिया, बस हमारा मन वहाँ राग करने लग जाता है, बंधने लग जाता है, फिर उधर खींचता रहता है। उसको बार बार प्रयोग करने के लिए, बार बार उसे मिलने के लिए, बार बार उसे देखने के लिए मन कहता रहता, बस हम बंध गए। हर समय उसकी चिंता सिर पर सवार, कहीं जाकर के फिर चैन से रहना संभव नहीं होगा। इसलिए आसक्ति का पूरा त्याग, इसे अतिक्रमण हो जाए, पार हो जाए,
तो जिन्होंने अपनी सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया, उसके बाद कोई बंधन नहीं रह गया। आसक्ति ही तो बंधन है। अब आसक्ति जब तक है तब तक भवसागर में भटकना है। साहेब मेट लगारी, सदगुरु कबीर ने कहा है कि आवो न जाओ मरो नहीं जीवो साहेब लेट मेट लगारी। अब मैं न कहें आऊंगा न जाऊंगा, ना मुझे मरना है ना जीना है, आना जाना मरना जीना से मैं पार हो गया। तो किसी ने पूछा क्यों कैसे कहते हो साहब का साहेब मेट लगा रही। अब साहेब ने सदगुरु ने उपदेश दे करके मेरी सारी आसक्तियों को मिटा दिया। अब इसलिए आने जाने के जन्मने मरने की बात नहीं रहेगी। अनासक्त जो हो गया वो भवसागर से पार हो गया। आसक्ति ही भवसागर है, आसक्ति नहीं है तो भवसागर कहीं नहीं है। और आसक्ति को काट दिया तो फिर वो भवसागर सूख गया, पार हो गया। देखना है हमें अपने मन को कि कहाँ खींच रहा है, किस वस्तु के प्रति और किस व्यक्ति के प्रति। बराबर वहां खींच रहा है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, वो जब मिले तभी मैं सुखी रहूंगा, यही तो आसक्ति है। और यही बंधन है भी। इसको जो त्याग दिया उसके लिए बंधन कहां रह गया, पीड़ा कहां रह गई फिर। तो इस पहली पंक्ति में तथा बुद्ध तीन का त्याग करने कहते हैं। क्रोध का त्याग करना है, अहंकार का त्याग और आसक्ति का त्याग। तीनों का त्याग हो गया, भवसागर से पार हो गया। तम नाम रूपस्मिम असज्जमानम अकिंचनम नानु पतंति दुखा। तम उसे इस प्रकार से नाम रूपस्मिम असज्जमानम, नाम और रूप से जो अनासक्त है, और अकिंचनम अकिंचन किसी प्रकार का संग्रह न रखने वाला, कोई परिग्रह नहीं, दुख उसका पीछा नहीं करता है। दो बातें हैं स्मर। पहले यहां कहा गया कि असज्जमानम, असज्जमानम का भी यहां अर्थ है अनासक्त। किससे? नाम और रूप। रूप इस शरीर, शरीर का एक रूप है, हर पदार्थ का रूप है और हर पदार्थ का नाम है, और दोनों बदलने वाले हैं। न नाम स्थायी रहने वाला है न रूप स्थायी रहने वाला है। पहले शरीर का नाम कोई दूसरा था, गुरुजी नाम को दूसरा रख दिया, और हो तो आदमी बदल कर चाहे और नाम रख सकता है। और शरीर का रूप हर क्षण बदल ही रहा है, आज मकान इस रूप में है, कुछ दिन पश्चात इस रूप में नहीं रह जाएगा, इस रूप में नहीं रहेगा तो नाम भी बदल जाएगा इसका। नाम और रूप दोनों ही परिवर्तनशील है और दोनों के प्रति ही आसक्ति होती है। नाम ब्याह चलाने के लिए, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कोई अपरिचित आदमी आएगा तो किसका क्या नाम है क्या जानेगा वो? किसी के चेहरे पर चिपका तो है नहीं नाम, किसी वस्तु में भी नाम चिपका हुआ नहीं है। लेकिन नाम न रखे तो बिहार में कितनी कठिनाई होगी।
व्यवहार चलाने के लिए ही नाम है बस, उससे अधिक उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाम के प्रति आसक्ति हो जाती है, नाम के प्रति जितनी आसक्ति होती है, नाम भी नाम के प्रति आसक्ति है तो रूप के प्रति आसक्ति होगी। हमारा नाम जाने लोग, हमारा नाम पुकारे, हमारा नाम फैले, हमारी कीर्ति फैले, हमारी अधिक प्रतिष्ठा हो, किसके लिए? नाम और रूप। नाम और रूप के प्रति जब आसक्ति होती है तब प्रदर्शन की भावना होती है। नाम और रूप के प्रति प्रदर्शन यदि आसक्ति नहीं है तो प्रदर्शन किसके लिए? हम आगे बैठे, हमें सामने बैठाए, हम दाहिने बैठे, पहले हमारी पूजा हो, ये नाम और रूप प्रति आसक्ति ना हो तो ऐसी भावना कैसे होगी? आगे बैठने का हमें नहीं मिला, हम पीछे बैठ गए, बस दुख हो गया, लोग हमें देखेंगे नहीं, हमारा नाम नहीं पुकारा गया, हमने इतनी इतनी सेवा की, हमने ऐसे ऐसा काम किया गया, हमारा कोई नाम ही नहीं लिया, बस दुख। और दोनों है मिथ्या, नाम रूप देहाभिमान का प्रकाशन। जब तक देहाभिमान नहीं होगा तब तक नाम और रूप प्रति आसक्ति कैसे होगी? और नाम रूप प्रति आसक्ति है तो दुख बराबर पीछा करता रहेगा। यहां तथागत बुद्ध कहते हैं नाम और रूप के प्रति जो असत जमाना है अनासक्त है। समझ लिया, नाम तो व्यवहार चलाने के लिए है, रूप एक बाहरी आकार है जो बदल रहा है रात में, सारे रूप क्षणभंगुर हैं, दोनों से ऊपर उठा लिया अपने आप को नाम और रूप से, क्योंकि दोनों मिथ्या है। और अकिंचन, अकिंचन का तो अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो, महादरिद्र। लेकिन यहां पर अकिंचन का अर्थ है जो संग्रह ना करता, कुछ न कुछ संग्रह तो सबको करना पड़ता है। एक सन्यासी है, दंड कमंडल कपड़ा लंगोटी या कुछ और चीज उसे अपने पास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रयोग की चीजें हैं। तो यहां अकिंचन का अर्थ है अपरिग्रही, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह न करना। थोड़ा वहां परिग्रह तो सबके पास रहता है, कोई बिरला होगा जिस पास कोई परिग्रह ना हो। शरीर ही परिग्रह है तो इसके लिए कुछ वस्तुओं का आवश्यकता होती है, अधिक संग्रह न करना सीधा अर्थ है। लोभ हो जाता है, ये रख लूं, ये भी जरूरत पड़ेगा, ये भी जरूरत पड़ेगा, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। लोभी प्रवृत्ति रख करके संग्रह करना गलत हो जाता है। अब गृहस्थ हैं तो उन्हें अधिक संग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ है तो परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, उनकी भी आवश्यकता करने हैं, अन्य और समय समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी, विवाह शादी मकान वकान सबके लिए। कोई मठ है तो वहां भी संग्रह रखना ही पड़ेगा कि वहां रहते हैं संत महात्मा रहते हैं, भक्त सज्जन आते जाते रहते हैं, और कुछ है। लेकिन जो संग्रह हो वो फिर व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक रूप में हो तो वो गलत नहीं होगा। व्यक्तिगत संग्रह
अब व्यक्तिगत संग्रह ही आदमी को गलत रास्ते में ले जाता है। अपने लिए व्यक्तिगत संग्रह न करे, अधिक अधिक इतना बढ़ाओ, इतना इतना पैसा बटोर लूं, ये ऐसे कर लूं, फिर मन उसी तरफ खींचता रहेगा। तो नाम और रूप से अनासक्त अपरिग्रह की भावना रखने वाले, जो संग्रह नहीं रखने देते हैं, ऐसे जो पुरुष है, नानु पतंती दुखा, दुख उसका पीछा नहीं करते हैं। अनासक्त तो सबसे और अपरिग्रही, फिर वो दुख में क्यों पड़ेगा, दुख से पार हो गया। इस प्रकार इस गाथा में तथा बुद्ध कहते हैं क्रोध, मान, आसक्ति, नाम रूप के प्रति मोह रखने वाला, नाम रूप प्रति मोह और संग्रह, इन सब का जिन्होंने त्याग कर दिया वह दुख से पूरी तरह पार हो गया, कह सकते उसके लिए भवसागर समाप्त। यो वे उपपतितम क्रोधम रथम भंतम व धारिये तमहम सारथिम ब्रूमि अस्मिक गाहो इतरो जनो। वस्तुतः जो व्यक्ति उत्पन्न हुए क्रोध को उसी प्रकार बस में कर लेता है जैसे साथी भटके हुए रथ को बस में कर लेता, संभाल लेता है, उसे ही मैं कुशल सारथी कहता हूं। अन्य लोग तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं, सारथी रथ चलाता है, हाँकता है, रथ में घोड़े हैं, घोड़े मचल गए और रथ को सही रास्ते पर न ले जा करके यहां वहां ले जाने लगे तो क्या होगा, रथ टूटेगा और रथ में बैठा वाला जो रथी है उसको नुकसान होगा, सारथी को भी नुकसान होगा और अंत में कहीं गड्ढे में गिर गए तो घोड़ों को भी नुकसान होगा, उन्हें भी चोट लगेगी। घोड़े मचल गए और रथ को अनियंत्रित खींचने लगे, कुशल सारथी घोड़ों को संभाल लेता है। किसने लगाम उसके पास है, जानता ही है कि घोड़ों को कैसे संभालना है, तो घोड़ों को संभाल लिया, तो संभाल गया रथ और फिर रथ को सही रास्ते पर चलाने लगा, सही रास्ते पर चलाने लगा तो घोड़े भी सुरक्षित, सारथी भी सुरक्षित और जो बैठा हुआ है रथी वह भी सुरक्षित, सब अपने मंदिर में पहुंच गए। तथागत कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है मचलते हुए घोड़ों को संभाल ले, रथ को गड्ढे में जाने न दे, वही सारथी है। अब बाकी तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं, ये तो उदाहरण है। यहां उनका संदेश है जैसे मचलते हुए घोड़ों को कुशल सारथी संभाल लेता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में उत्पन्न क्रोध को संभाल लेता है, अपने बस में कर लेता है, क्रोध में आकर के व्यवहार नहीं करता, संयत हो गया, शांत हो गया, वही सच्चा मनुष्य है, वही साधक है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है। और उसके बस में आ गए तब स्वयं को नुकसान होना है और उनको नुकसान होना है,
इस पर ही गुरु जी ने उदाहरण दिया है वो महाभारत के श्लोक का, वेदांश विदितव्यम च विदित्वा च यथा स्थिति एवं वेद विदित्याहुरतो अन्यो वातरेषिकः। जो वेदों को और वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है ये पदार्थ उसको ठीक से जान लिया, वेद में क्या संदेश दिया हुआ है, जानने योग्य क्या है, जिसको जान लेने पर और कुछ बहुत जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसको जान लिया वही वेदवेत्ता है, वेद का ज्ञाता है। और जो खास तत्व तो है जानने योग्य उसको तो नहीं जाना, और खाली वेदों का पाठ कर रहा है तो तथागत बुद्ध कहते हैं वह हवा छोड़ने वाला है, बात रेश का है, व्यंग है यहां पर। इसी प्रकार जो अपने मन की भावनाओं को संभाल लिया वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है, वही साधक है, वही भक्त है, बाकी केवल मनुष्य का आकार है। अक्कुधेन जीने कुधम असाधुम साधुना जीने जीने कदरियम दानेन सच्चेन अलीक वादिनम। अक्रोध से क्रोध को जीते, साधुता से असाधुता को जीते, दान से कृपणता को कंजूसी को जीते, और सत्य से सत्यता से असत्यवादी को जीते। क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता, साधुता विरोधी आचरण करके जो साधुता विरोधी आचरण कर रहा है उसको नहीं जीता जा सकता। कोई कंजूस है तो कंजूस को हम जीते तो हम स्वयं कंजूस बन जाए, उसे तो जीत नहीं सकते हैं। कोई झूठ बोलने वाला है तो हम स्वयं झूठ बोल करके उसको नहीं जीत सकते, चुप चुप भले करा दें। समान रूप से ये होता है मन में कि जो जैसा है उसके साथ हम वैसा व्यवहार करके उसको जीत सकते हैं, लेकिन ये भूल है। दुर्गुण से दुर्गुण को कैसे जीता जाएगा? कोई आदमी गाली दे रहा है अब उसकी गाली सुन करके हम गुस्से में आ गए, हम भी गाली देने लगे तो उसको हम नहीं जीत सकते। जीतने का तरीका है चुप रहना, शांत रहना, क्योंकि जितनी गाली हम देंगे उतनी गाली और बढ़ती जाएगी और अंत में चुप होना पड़ेगा। कोई बैर कर रहा है तो उससे हम भी वैसे बैर करने लग जाएं, दुश्मनी करने लग जाएं, तो उससे और क्या बढ़ेगा, बैर ही तो बढ़ेगा, दुश्मनी नहीं बढ़ेगी। वो बैर कर रहा है करने दे, हम बैर ना करें, शांत रहें, उसका हित चाहें, तो उससे जीत लिए, उससे हमारा मन शांत रहेगा। तो मन में जितनी भोगों की इच्छा होगी उतने ही हमारे जीवन में दोष दुर्गुण आएंगे, और फिर हम चाहेंगे चाहते हैं कि जो आदमी जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा व्यवहार करके उससे हम जीत लें, लेकिन यह संभव होने वाला नहीं है। किसी ने हमारा अपमान किया और हम उसका अपमान करें तो जैसा वो वैसा हम, कोई अंतर तो नहीं पड़ा,
उन्हें अपमान किया तो अपमान किया, वो हमारे पास आए तो सहज जो उसका सम्मान कर सकते हैं उसका सम्मान कर दें, आदर दे दें, तो उसको अपने क्रियाकलाप के लिए सोचना पड़ेगा कि मैंने गलत किया और हमने किया, उसने किया, हमने किया, तो दोनों बराबर, उसे अपनी गलती समझ में नहीं आएगी। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, अक्रोध से ही जीता जा सकता है, क्षमा से, शांति से जीता जा सकता है। साधुता विरोधी विचार करने वाला कोई है, कोई साधु के तो वेश है लेकिन साधुता विरोधी विचार है, उसे काम कर रहा है और हम भी वैसे करने लग जाएं, तो उसे अपनी भूल समझ में कहाँ आएगी? समझ में तो तब आएगी जब वो साधुता विरोधी विचार व्यवहार कर रहा है और हम साधुता का व्यवहार करें। ऐसे ही हर जगह की बात है, नाम तो कुछ लोगों का ही, कुछ बातों का, कुछ विषयों का ही लिया जा सकता है। हर जगह उदाहरण एक समान ही रहेगा, भाव एक समान ही रहेगा। कोई कंजूस है, महाकंजूस, और वह हमारे सामने आया तो हम भी उसे कंजूसी करने लग गए, तो उसको समझ में थोड़े आएगी बात। जब वो देखेगा दूसरे को उदारता पूर्वक सेवा करते हुए, खर्च करते हुए, लोगों को खिलाते पिलाते हुए, तब तो लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे पैसे वैसे बटोरना ठीक नहीं है। फिर कुछ उसके मन में भावना आएगी, वो भी थोड़ा बहुत खर्च करने लगेगा। ये तो हर जगह है, किसी कोई भी दुर्गुण हो, दुर्गुण को दुर्गुण से नहीं जीता जा सकता, बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता है। दुर्गुण को सद्गुणों से, बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। सच्चम भणे न कुज्झे दज्जापस्मिम् याचितो एते ही तिष्ठाने ही गच्छे देवान संतिके। सत्य बोले, क्रोध न करे और थोड़ा भी मांगने पर दे दे, ये जो तीन स्थान हैं इनका आचरण करने से प्राणी देवताओं के निकट जाता है। पहली बात इस गाथा में है कि सच्चम भने, भने बोलना, सत्य बोले, असत्य न बोले। किसी को गुमराह करने वाली बात, किसी को धोखा देने वाली बात, किसी की वस्तु को हड़पने वाली बात हम कह रहे हैं तो हो क्या रहा है, अपने को धोखा दे रहे हैं। और जिन वस्तुओं के लिए हम झूठ बोलते हैं अंत में वो वस्तु में तो रहेगी नहीं, लेकिन संस्कार हमारा खराब हुआ और उसके परिणाम में हमारा मन बना रहेगा मलिन। इसलिए सत्य बोले, सत्य क्या है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो वह सच है। अब कुछ बातें ऐसी होती है सच के नाम पर हम ज्यों का त्यों कह दें लेकिन वो हितकर नहीं है तो उसे पूरा सच नहीं कहा जा सका। सच तो हो लेकिन हितकर हो, जो मैं कहने जा रहा हूं वह मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर है या नहीं है,
दूसरा कोई झूठ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे भी हमारा भी झूठ दूसरे का अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सच बोले, न कुछ झेय, क्रोध न करे। तो पहले कहा कि जितना अहंकार होगा, जितनी कामना होगी, जितना हम अपने को बड़ा मानेंगे उतना ही क्रोध आएगा। शांत रहे इसलिए। और दज्जापस्मिंप याचितो, कोई मांग रहा है तो थोड़ा भी मांगा, संकोच करते हुए मांगा, थोड़ा कह रहा है, बहुत वो संकोच मत बहुत कहने की स्थिति में नहीं है, तो लगे कि हाँ ये कुछ मांग रहा है, तो अगर बुद्ध कहते हैं तो उसको जरूर दे दे। कई बार ऐसी स्थिति होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं निसंकोच होते हैं, उन्हें किसी से कुछ भी मांगने में संकोच नहीं होता। अब सामने वाला देने की स्थिति में है या नहीं है, या जो चीज मैं मांग रहा हूं वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो चीज उसके लिए कितनी जरूरी है, इसका कुछ ख्याल नहीं रहता। अपने लिए चाहते हैं ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, आवश्यकता नहीं तो भी दूसरे को देखें, उसके पास है तो भी मांग ली। ऐसे तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आवश्यकता तो है लेकिन वो कह नहीं पाते, किसी प्रकार मजबूर होकर के बहुत संकोच करते हुए थोड़ा कहते हैं। तगत बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से कोई थोड़ा भी मांग रहा है तो इंकार न करें, दे दें। अर्थ है शक्ति चले तक सेवा की भावना रखें। यहां वस्तु देने की बात नहीं है, अपने पास जो चीज है उसे शक्ति चले तक सेवा की भावना रखे और सेवा करें। चीजें हैं किसके लिए? सेवा के लिए है। खावत खर्चत मुक्ति दे, संचत नरक द्वार। एक सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, माया के लिए, माया मतलब दुनिया की वस्तुएं, खाएं और खर्च करें, खाएं और खिलाएं, अपना प्रयोग करें, दूसरे की सेवा में लगा दें, तो ये माया मुक्ति दे देती है। यदि इसका संग्रह किए, न खाए न खिलाए, तब ये पहुंचा देती है नरक में। इसलिए जो चीज अपने पास हो अपनी, उससे दूसरे की सेवा करें। तो ये तीन बातें हैं, सत्य बोलना, क्रोध का त्याग करना, और जो कुछ अपने पास शक्ति है उसे दूसरे की सेवा करना। इन तीनों का आचरण करने से मनुष्य देवताओं के निकट जाता है। बौद्ध मत में स्वर्ग नरक माने गए हैं, अनेक लोक माने गए हैं, वहां देवी देवता माने गए हैं, इसलिए बार बार ऐसी बात इसमें आती है। वस्तुतः जो सज्जन हैं, संत हैं, सद्गुणी सदाचारी हैं, वही देवता हैं। उनको छोड़कर देवता और कहां मिलेगा? और जो लोग ऐसे लोग हैं, सच बोलने वाले, अहिंसक और सेवा करने वाले, तो उनके निकट संत सज्जन ही रहेंगे, वो स्वयं ही हैं, उनके पास जाकर के निवास करेगा। संत सज्जन सद्गुणी सदाचारी जो मनुष्य हैं, उनको छोड़ करके और कहीं अलग देवता की कल्पना करना भटकना है। जो सद्गुणी सदाचारी हैं,
निर्मल जीवन वाले हैं, प्रत्यक्ष देवता है वो, उनके पास रहने से स्वाभाविक ही प्रसन्नता मिलेगी। देवताओं के पास जाते हैं तो प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा। तो जो संत सज्जन हैं निर्मल जीवन वाले, उनके पास रहते हैं तो अच्छी बातें सुनने की मिलेगी, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, अपने आप सुख मिलेगा। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि तीन बातों का आचरण, सत्य बोलना, क्रोध न करना, तात्पर्य हिंसा न करना, और थोड़ा मांगने पर देना, अर्थात शक्ति चले तक सेवा करना। अहिंसका ये मुनियो निच्चम कायेन समुता ते यन्ति अच्युतम ठानम यथ गंत्वा न सोचरे। जो मुनिजन अहिंसक हैं और नित्य शरीर पर संयम रखने वाले हैं, वे उस स्थान को प्राप्त करते हैं जो अच्युत है, पतित न होने वाले, न गिरने वाले, और वहां जाकर वे शोक नहीं करते, वहां जाने वालों को शोक नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक है अहिंसक, अहिंसक जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाता है, थोड़ी भी तकलीफ देने की भावना जिसके मन में नहीं रही है, ऐसी क्रिया ऐसा व्यवहार तो है नहीं, लेकिन मेरे द्वारा किसी को थोड़ी भी तकलीफ पहुंचे ऐसी भावना भी जिसके मन में नहीं है, वो अहिंसक। किसी की किसी प्रकार से हिंसा करना अपने को ही तकलीफ देना है। मन में हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो उससे उसका उसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन अपना नुकसान तो है ही। जिसके मन से बैर भाव पूर्णतया निकल गई, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा कि सब जीवन से निर्बैर रहे, और कहा कि घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो, ये पूर्ण अहिंसा की भावना है। तो ऐसे जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को किसी प्रकार भी तकलीफ नहीं देते, ऐसे जो अहिंसक है, निच्चम कायेन संवुता, और नित्य सब समय अपने काया शरीर इंद्रियों पर संयम रखने वाले, पूर्ण आत्मसंयमी आत्मजयी, जिसके मन वाणी कर्म पूर्ण संयमित हैं, आत्मस्वस्थ, वे कहां जाते हैं? ते यन्ति अच्युतम ठानम, वे कभी च्युत न होने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं। वो स्थान कौन है? वो के बाहर नहीं है, वो स्थान है अपनी स्वरूप स्थिति, अपना आपा। मनसा वाचा कर्मणा हिंसा का त्याग है, अपने आप पर पूर्ण स्वस्थता है, पूर्ण संयम आत्मजयी, तो स्वाभाविक है वह अपने स्वरूप भाव को प्राप्त होगा। और यथ गंतवा न सोच रे, वहां जाने वाले को शोक नहीं करना पड़ता है। सीधी बात है, जो पूर्ण अहिंसक है और पूर्ण आत्मसंयमी है, वह पूर्ण शांति पद को, निर्वाण पद को प्राप्त करता है, वहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, शांत मन है, स्वस्थ मन, तो वहां शोक की बात ही नहीं है, क्योंकि न हिंसा है, न मोह है, न बैर है, न आसक्ति है, न कामना है,
तो अशोक किसका? वह शोक से पार हो गया। किसी भी प्रकार की हिंसा है मन में, थोड़ी भी किसी बात चोट पहुंचाने की भावना, किसी को दुखी देखे और खुश हो गए क्योंकि वो व्यक्ति हम मानते हमारा प्रतिकूल है, और उसको दुखी देखे, उसका कुछ नुकसान हुआ और हमारा मन खुश हो गया, तो हमारे मन में हिंसा है। क्योंकि बिना हिंसा के किसी दुखी को देख करके हमारा मन खुश कैसे होगा? और ऐसा भाव रख करके हम पूरी शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? किसी के भी दुख को देख करके मन में दया हो, भले हम उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि वहां हम उसके दुख को दूर करने या उसकी सेवा करने करना चाहें भी तो संभव नहीं होता है। लेकिन कोई भी हो, किसी के दुख को हम देखें, चाहे वो हमसे कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उसके मन में दया और करुणा का भाव जगे, नहीं ऐसा दुख किसी को नहीं मिलना चाहिए, तब अहिंसा होगी। अपने तो चोट पहुंचाना ही नहीं है, लेकिन किसी कारण से उन्हें नुकसान हो गया और हम खुश हो गए तो हिंसा है, क्योंकि हमारा मन है मलिन, तभी तो ये खुश हुए, और इसके परिणाम में हम शांति का अनुभव कैसे करेंगे? परिणाम में शोक होगा, होगा दुख होगा। तो जो मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण अहिंसक है और पूर्ण आत्मजयी आत्मस्वस, वो ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जो स्थान गिरने वाला नहीं, च्युत होने वाला नहीं, वो क्या है? पूर्ण आत्म शांत। वहां किसी प्रकार का कोई शोक है नहीं। सदा जागरमानानाम अवरत्तानुसिक्खिनम निब्बानम अधिमुत्तानम अत्थम गच्छन्ति आसवा। जो सदैव जागृत है, सावधान रहता है, दिन रात अच्छी सीख ग्रहण करता रहता है, और जिसका मन निर्वाण की ओर झुका हुआ होता है, उन्मुख रहता है, उसके चित्तमल नष्ट हो जाते हैं। तीन बातें इसमें हैं और उसका परिणाम बताया गया है, अत्थम गच्छन्ति आसवा। आसव आश्रव, आश्रव मनोविकार चित्त के मल अस्त हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। मन के विकारों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, चित्तमल पूर्ण समाप्त हो जाना, यही मोक्ष की दशा है। क्योंकि कोई भी विकार मन में है, किसी प्रकार का मल, तो बंधन है, दुख है। सारे मनोविकार समाप्त, पूर्ण शांत, तब बंधन कहां रह गया? फिर मुक्त। लेकिन उसके लिए तीन बातें बताते हैं, किसके आश्रम नष्ट होते हैं? जो सदा जागर माना नाम, सदैव जागृत रहता है। यहां जागृत रहने कर रात में भी जो नहीं सोता, ऐसा नहीं है। रात के जो नींद होती है वो तो आवश्यक है, वो बंधन का कारण नहीं है। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है 4-6-8 घंटे की नींद, वो तो हर किसी को लेना है। यहां जागने का अर्थ है सावधान, सब समय होश में रहना, जो करें
होश में खाएं, होश पूर्वक खाएंगे तो गलत चीज नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, कोई भी ऐसे ले लें, होश पूर्वक काम करेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, होश पूर्वक बोलेंगे तो गलत बात नहीं बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, सब समय सावधान रहना। संतों जागत नींद न कीजिए सदगुरु कबीर ने कहा, वो भी क्या है, सावधानी की बात ही है। जाने ही तभी ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा, गोस्वामी जी ने कहा है। जीव जाग गया ये तब समझना चाहिए जब विषय विलास का त्याग हो गया, विषय की भावना है मन में तो सावधानी कहाँ है, असावधानी है। और सावधान रहना, कहीं किसी के लोभ मोह में न पड़ना। कोई चीज देखे लोभ आया मन में, क्षणिक लोभ आया तो उतने समय के लिए हम असावधान हो गए, किसी के लिए मोह आया उतने समय के लिए हम असावधान हो गए, और उतने समय में फिर मन मलिन हुआ और दुख होगा। तो सब समय प्राणी पदार्थों के लोभ मोह से अपने को ऊपर उठाए रखना और साथ साथ अपने मन पर निगरानी रखना। थोड़ा सा असावधान हुए कब मन भटक जाए, इंद्रियां कब भटका दे, कोई ठिकाना नहीं है। सदा जागर माना नाम का अर्थ है सब समय होश में रहना, जागृति में, ज्ञान में, विवेक में जीना। और जो इस प्रकार से सब समय सावधान है, जागृत होश में विवेक में जी रहा है, उसका मन स्वच्छ रहेगा, उसके उसके मन में विकार नहीं आएगा। अहोरक्तानुशिक्षिणम अहोरात्र, रात दिन अनुशिक्षण सीखते रहना, रात दिन सीख ग्रहण करते रहना, बराबर सीख ग्रहण करना। थोड़ा सा हम किसी से कुछ सीख लिए, थोड़ा कुछ पुस्तक पढ़ लिए, याद कर लिए, भजन साखी शब्द श्लोक दोहा चौपाई कुछ उदाहरण कथा दृष्टांत, अब मान लेते हैं हम तो अब सब सीख गए, अब हमारा काम क्या है, लोगों को सिखाना, उपदेश देते हुए घूमते फिरते रहना, फिर अब आगे हम सीखना बंद कर देते हैं। एक लेखक ने लिखा है, व्यावसायिक प्रवक्ता हैं कि कैसे व्यवसाय में उन्नति हो, कैसे अधिक से अधिक अपना सामान बेचा जाए। तो एक जगह उसका कार्यक्रम था, ये बता रहे थे कि कैसे आप अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक सफल हो सकते हैं। बताए कि आप बराबर अध्ययन करिए, अमुक अमुक पुस्तक पढ़िए, अमुक सीडी सुनिए। तो जब उसका प्रवचन समाप्त हुआ तब एक सेल्समैन आया, कहा कि आपने बात बताई तो ठीक है लेकिन बात अधूरी है, आप पूरी बात बताया करें। कहें क्या, पूछा कैसे, आप ये बताया करें कि आपके बताए रास्ते पर चल करके उन्नति तो होगी लेकिन एक समय में जा करके उन्नति बंद हो जाएगी, फिर उसके आगे उन्नति नहीं होती। कैसे, कहते कि मैं अमुक समय बताया कि 3 साल या 5 साल पहले आपके ऐसे जो प्रोग्राम हैं शिविर, उसमें मैंने भाग लिया था, अटेंड किया था, और फिर आपके जो बताए हुए जो सीडियां थी उस सीडी मैंने सुने, आपके बताए पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि सचमुच में मुझे बहुत उन्नति हुई, बहुत लाभ हुआ, मैं बहुत आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद उन्नति होना बंद हो गया, लाभ होना बंद हो गया, वो स्थिर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, उन्नति हुई, उन्नति होने के पश्चात आपने कुछ और क्या किया, कहीं भूल हुई, चुप। फिर वो माथा पकड़ के बैठ गया, हाय मुझसे भयंकर बोलते, क्योंकि उसकी उन्नति हुई तो मैंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, सीखना सोना बंद कर दिया। तो जब पढ़ना लिखना आप बंद ही कर दिया, एक उन्नति पहुंच गए एक दफा में, उसके आगे भी तो है रास्ता, वो तो उसके आगे बढ़ने के लिए आप सीखें। तो जो
बराबर सीखता रहता, ये जीवन पर्यंत सीखते रहने की आवश्यकता है। अब यहां वो सीखना ज्ञान ग्रहण करना, क्योंकि सब समय तो जब तक जीवन है तब तक तो मन इंद्रियां हैं, व्यवहार है, और नए नए विषय आते रहते हैं, नए नए ढंग से लोगों को समझाना पड़ता है, इसलिए सब समय सीखते रहना। इसलिए गुरुजी भी उदाहरण दिया करते थे ना कि एक साधक ने अपने गुरु से कहा था, गुरुजी अब तो मैंने सब सीख लिया, अब मुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहा। तो गुरु ने कहा था, ठीक है बेटा बहुत धन्यवाद, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सीखने के लिए। तो अहोरत्तानुसिखिनम, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहने की आवश्यकता है। अर्थ है सीधा यह है कि अपने को उपदेष्टा न माने, गुरु न माने, ये न मानने कि मैं पूरा ज्ञानी हो गया। जहां मान लिए अब हमारा काम उपदेश देना, उपदेश सुनना नहीं, उपदेश ग्रहण करना नहीं, किंतु हमारा ना काम उपदेश देना है, शिष्य बनाते जाना है, ज्ञान का प्रवचन करते जाना है, बस पतन की शुरुआत कहना पड़ता है, मजबूरी है। कोई आके किसी साधु को बुलाया, उसके कोई घर से कोई साधु गया, खा पी ली बैठे तो कहे साहब कुछ सुनाओ। अब कोई साधु कहे कि भाई क्या सुनाऊं, अभी तो मैं सीख ही रहा हूं, अभी बागुन बाकी है, मैं नहीं सुना पाऊं, तो भगत तो संतोष तो नहीं होगा। जैसा जानता है थोड़ा बहुत, जैसी उसकी भाषा है, उठा से कहना पड़ता है, लेकिन कहने की ललक नहीं होनी चाहिए। अब कोई बुलाया है उसी लिए, कुछ कार्यक्रम है या वैसे बुलाया है, तो चाहेगा चाहे जैसा सोचे भी कि हम तो गृहस्थ हैं, इसमें पड़े हुए हैं, ये साधु हैं, हम तो अधिक जानते हैं, संयम करते हैं, साधना करते हैं, कुछ ज्ञान भक्ति बात बताएंगे, कुछ बताएंगे, चाहे टूटी फूटी बात हम बताए, जितना बताए तो उससे उसको संतोष होगा, तो कहना तो पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, जो भी साधु मार्ग में आते हैं उनको कहना। लेकिन मान लेना कि नहीं अब मेरा काम खाली उपदेश देना है, सीखना नहीं है, बस ये गड़बड़ी होती है। सहगुद ये जो कहते हैं कि और अत्तानु सीखेनम, रात दिन सीखते रहना है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को कुछ कहो ही मत, कहना तो पड़ता है, लेकिन अर्थ है शिष्यपना, जिज्ञासा, सीखने की भावना जीवन पर्यंत बनी रहे, कहीं से भी अच्छी सीख मिले ग्रहण करते जाए, चाहे वो पुस्तक से हो, चाहे साधु महात्मा से हो, चाहे गृहस्थ भक्तों से हो, चाहे कोई प्राकृतिक दृश्य से हो, जीवन पर्यंत सीख ग्रहण करते रहने की आवश्यकता है। निब्बान अधिमुत्तानम, निर्वाण बुझ जाना, वासना का बुझ जाना, आशा तृष्णा का पूर्णतः शांत हो जाना, निर्वाण मोक्ष। अधिमुत का अर्थ है झुकाव, मोक्ष की तरफ, वासनाहीनता, वासना समाप्ति की तरफ झुकाव। अर्थ जिसका मन सब समय वासना को समाप्त करने में लगा हुआ, मोक्ष जिसके मन में बसा हुआ है, सब समय मन की प्रवृत्ति पूर्ण आत्मशांत मोक्ष की तरफ बनी रहती है। तथा बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से जो रहता है सब समय सावधान, सतत जागरूक, होश में जीने वाला, जीवन पर्यंत सीख ग्रहण करने वाला, विनम्र होकर के रात दिन हर जगह से ज्ञान ग्रहण कर रहने वाला है, और जिसका मन परम शांति की तरफ झुका, जिसके मन में परम शांति का अनुराग है, प्रेम है, उसके ही मनोविकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और इसी जीवन में मोक्ष लाभ ले लेता है।